श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। श्री श्रावण शिव महापुराण कथा के चौथवें दिन गुरुजी ने एक इतना अच्छा पत्र पढ़ा है कि वो पत्र पढ़ के आपके भी आंसू निकल सकते हैं। ठीक है, पहला पत्र मतलब जो गुरुजी के पास आया, मैं एक ही पत्र दो पत्र आपको पढ़ूंगा, जो कि सालों से संतान नहीं हो रहा था। महादेव ने ऐसा किया कि उन महिलाओं को तीन तीन संतान हो गई, जो कि मेरे स्क्रीन पे भी आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल पे उस महिला का पुत्र बच्चे का फोटो भी लगा रखा और महिला का भी फोटो मैंने आपको दिखाया, जो कि गुरुजी ने भी अपने आज की कथा में दिखाया था। उन्होंने एक छोटा सा बस उपाय किया था जिनके कारण ऐसा महादेव की कृपा उनके ऊपर हुई। उन महिलाओं का उनके जो पत्र आए हुए थे, संतोष शिव शर्मा जी का एक पत्र था जो कि इंदौर से था। उन्होंने पत्र में ऐसा, जो कि मैं आपको पत्र भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कई वर्ष से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने माँ अहिल्या शिव महापुराण की कथा गुरुजी द्वारा जो बाची गई थी उन्हें सुना था और उनके बाद उन्होंने गुरुजी द्वारा बताया गया पशुपति व्रत करना शुरू किया। उसने पशुपति व्रत शुरू किया, पहला पशुपति व्रत किया, लेकिन कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। उनके बाद उनकी जो बहू थी उन्होंने भी पशुपति व्रत करना शुरू कर दिया। पहला किया, कोई फल नहीं मिला महादेव की कृपा से। फिर उन्होंने विश्वास नहीं हारा और दूसरा पशुपति व्रत भी किया, फिर भी कोई फल नहीं मिला। लेकिन जब तीसरा पशुपति व्रत किया उन्होंने, तो महादेव की कृपा ऐसी हुई कि महादेव ने उन्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन संतान का सुख प्राप्त किया, जो कि मेरे स्क्रीन पे भी आप उन बच्चों का फोटो भी देख सकते हैं जो कि गुरुजी ने भी आज की कथा में दिखाया हुआ था। ये सब महादेव की कृपा है और महादेव पे विश्वास रखिए तो जरूर आपका भी भला होगा ही होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको भी उपयोगी लगी होगी। तो और भी इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।